नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एंड ग्लोबल स्कूल। दिस इज योर नेहा मैम एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स टू सेकेंड स्टैंडर्ड। या सो डियर किड्स, आई होप यू ऑल एंजॉयड योर दिस मिनी वेकेशन, राइट। पीए टू के बाद छोटा सा आपको ब्रेक मिला ड्यूरिंग चेकिंग, है ना, एंड यू एंजॉयड, ऑलरेडी यू एंजॉयड दिस ईयर, ना बहुत इंजॉय किया इस साल तो। ओके, सो एंड आई एम हैप्पी के यू हैव डन वेरी वेल। आपका पी ए टू का सिलेबस बहुत अच्छे से आपने किया एंड आई होप के नेक्स्ट टर्म टू का भी आप बहुत अच्छे से करोगे। टुडे वी विल एंटर टू आर टर्म टू, राइट। टर्म टू का सिलेबस आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड टर्म टू में हमारे दो चैप्टर्स है, बट वी इंक्लूड पी ए टू चैप्टर्स ऑल्सो, सो डोंट फॉरगेट दैट। ओके, हमें पी ए टू का भी चैप्टर्स, जो जो चैप्टर्स ने किए उसको याद रखना है, टर्म टू के भी याद रखना है, टर्म वन के भी और पी ए वन के भी, यू नो, बिकॉज मैथ्स वी आर नॉट लर्निंग, राइट। सो मैथ्स हमें अच्छे से पूरा चैप्टर्स, पूरी बुक के हर एक सम में हमें अच्छे से ध्यान देना है, सॉल्व करना है। सो यू विल प्रैक्टिस योर मैथ्स कंटिन्यू फ्रॉम चैप्टर वन। ओके, एंड टूडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर, That is chapter 10, right? Chapter 10 में what is it? Timing. आज हम पढ़ेंगे time. Now, what is time? अभी आप सबको पता है कि time क्या है, right? Time क्या होता है? हम हर चीज अपने time से करते हैं। इस time में उठना, इस time में सोना, this time our lunch, this time breakfast, then school hours, then household work, होमवर्क, सबका टाइमिंग है। ओके, आप भी अभी तो घर पे आपको ज्यादा मम्मी टाइम का बता दोगे, अरे इतने बज गए उठो, इतना टाइम होगा, ये करो। सो दैट इज टाइम। व्हाट इज टाइम? हमारे घर मतलब पूरे वी हैव वन डे एंड वन डे में हमारे पास 24 आवर्स है, राइट। और वो 24 आवर में हमने सब कुछ हमें टाइम के साथ हमें सेट करना पड़ता है, राइट। और टाइम देखने के लिए व्हाट वी नीड अ क्लॉक। टाइम देखने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लॉक। पहले जब क्लॉक नहीं थी, जब हमारे दादा लोग के थे, देन व्हाट वी यूज्ड टू सी, हम तब टाइम सनसेट और सनराइज के थ्रू देखते थे। ओके, अगर सनराइज हुआ है मतलब राइज हो रहा है अगर, तो इट मीन्स कि सुबह होने वाली है। ओके, और सेट होता है यानी कि एट इवनिंग, तो हमें पता है ये अब इवनिंग रात आने वाले, रात में हम एंटर कर गए, राइट। बट अभी हमारे पास वी हैव क्लॉक, सबके पास अभी, यू नो कि अभी हमारे पास सबके पास क्लॉक है, इवन मोबाइल में हमारे पास घड़ी रहती है, देन हाथ में हम ये घड़ी पहनते हैं, राइट। देन घर पे हमारे क्लॉक होता है। ओके, वी यूज टू सी टाइम टीवी में, कंप्यूटर में, एवरी वे यू कैन सी द टाइमिंग। ओके, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ टाइम? To be a kid, time is very very important and very very valuable in our life. Time की अगर हम value करेंगे ना, then time हमारी value करेगा, right? It means कि see, अगर आपको ये we know that time अगर चला जाता है ना, तो वो कभी वापस नहीं आता है, right? Now you are in second standard. अगर अभी आपका second standard चला गया, तो आप ये तो repeat करोगे तब आएगा, otherwise वो second वाला standard फिर आने वाला है? No. आप ये रियर रिपीट कर लोगे कि चलो सेकंड फिर से पढ़ ले, या नहीं पढ़ना है तो आगे बढ़ गए, बट अगर आप चाहोगे तो वो जो एज हमारी गई वो वापस नहीं आता, राइट। जो टाइम हमारा चला गया वो वापस नहीं आता, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हर चीज अपने टाइम पे करें तो टाइम हमारी वैल्यू करेगा, राइट। राइट एज में पढ़ना, राइट टाइम में खाना, राइट टाइम में सोना, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर हम टाइम से सब कुछ करेंगे, देन यू विल नोटिस कि हमारी लाइफ बहुत स्मूथली जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, अभी आपके घर पे यू हैविंग हॉलीडेज, स्कूल में अभी बंद है आपका, ठीक है। नाउ यू आर गेटिंग लेट इन द मॉर्निंग, देन फिर लेट नाश्ता, एवरीथिंग। आप देखना आपके टाइम कितना वेस्ट होता है, है ना? आप वेस्ट करते हो और फिर क्या होता है, आपका काम पेंडिंग रह जाता है। सुबह लेट उठोगे तो जो 9 o'clock नाश्ता का टाइम है, यू विल टेक योर ब्रेकफास्ट है 10 और 11,
लंच 1 बजे लेना है तो आप 2 बजे लोगे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एंड दिस टाइम अगर एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आता है। सो डियर किड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी से आप सब कुछ टाइमली करोगे, देन यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ, राइट? सी, हम टीचर्स भी कैसे, आप स्कूल स्टूडेंट्स भी टाइम पे स्कूल आ जाते हैं। अगर हम टाइम पे स्कूल नहीं जाते तो हमारा क्या होता है, वी आर गेटिंग लेट, पनिशमेंट मिलती है ना? टाइम पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, आपका टिफिन भी सेम टाइम पे होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरीथिंग हैज डिसाइडेड ऑन टाइम। हम अपनी लाइफ पूरी टाइमली सेट करते हैं। अगर टाइमली सेट करेंगे तो एवरीथिंग विल गो स्मूथली। सो यू हैव टू लर्न विद दिस चैप्टर टू फाइंड द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन योर लाइफ, राइट? और हमेशा ध्यान रखने का, अगर आप सब कुछ अच्छे से करोगे ना टाइमली, तो इट्स 100% श्योर दैट यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आप टाइम से सब कुछ करोगे, नाश्ता, लंच, डिनर, होमवर्क, स्टडीज एंड प्लेइंग, वॉचिंग टीवी, ये सब का अगर टाइम सेट करोगे एंड यू विल फॉलो दैट, फॉलो करोगे ना प्रॉपरली, देन सी नो बडी कैन स्टॉप यू फॉर गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ, ओके? अगर आप सब कुछ अच्छे से करोगे ना तो कोई भी नहीं आपको रोकेगा, आप ऑटोमेटिक बहुत आगे बढ़ोगे अगर आप टाइम को फॉलो करोगे। सो डियर किड्स, टुडे व्हाट विल बी योर आईबीएल? आपको लिखना है क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, राइट? उसमें आपको क्या लिखना है, यू योर मॉर्निंग टाइम कितने बजे उठते हो, देन व्हाट इज योर, व्हाट आर यू डूइंग होल डे टाइमली, वो आप एक आईबीएल टाइप का क्वेश्चन आप अपनी रफ नोटबुक में या आपकी मैथ्स नोटबुक में भी लिख सकते हो, ओके? आई विल शो यू, आई विल सेंड यू समथिंग, उसमें आपको आपका करेक्ट टाइम लिखना है, राइट? जो आप करते हो, एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो अच्छे से, मम्मी बोलती है राइट नहीं है 8 बजे उठना है तो आप 10 बजे उठते हो, नो, यू विल इम्प्रूव, ओके? एंड देन यू विल राइट, आई विल सेंड यू सम क्वेश्चन फ्रॉम दैट आईबीएल, यू विल कॉपी इन योर नोटबुक एंड राइट योर करेक्ट आंसर। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। वी यूज क्लॉक टू टेल द टाइम, हम क्लॉक क्यों यूज करते हैं, टाइम बताने के लिए, राइट? टू हैंड्स आर देयर, अभी आप छोटे हो तो वी आई एम ऑन दी दिस आर स्टार्टिंग फॉर द चैप्टर, तो हम आपको टू हैंड्स दिखाएंगे। वैसे वॉच में, क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, आवर हैंड्स, मिनट हैंड्स एंड सेकेंड, सेकेंड वाला जो कंटिन्यू राउंड करता है। अभी आई विल शो यू क्लॉक, देन यू कैन फाइंड दैट इज नोन एज सेकेंड हैंड, ओके? तो जो स्मॉल आवर हैंड होता है, ये स्मॉल वाला, उसको बोलते हैं आवर हैंड, मतलब घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ये आवर हैंड है। मिनट हैंड, ये जो बिगर वन है, दैट इज नोन एज मिनट हैंड, राइट? सी द आवर हैंड इज शॉर्टर देन द मिनट हैंड, आवर हैंड होता है वो शॉर्टर होता है, मतलब छोटा होता है, मिनट से स्मॉल होता है, राइट? आवर हैंड शॉर्टर देन द मिनट हैंड। नाउ आई विल शो यू, नाउ सी दिस इज अ क्लॉक, कैन यू सी दिस? नाउ सी दिस इज आवर हैंड, जो ये वन वाले के बीच में दिख रहा है आपको, ये आवर हैंड है एंड ये मिनट हैंड है, एंड दिस इज कंटिन्यू जो घूम रहा है, दैट इज योर सेकेंड, ये क्या है सेकेंड, ये सी सेकेंड बहुत फास्ट भागता है, कैन यू सी, दिख रहा है आपको? यस, देखो लाइक दिस इट इज मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, और ये आवर वाला हैंड है वो 1 घंटा, मीन्स आपका पूरा स्लो स्लो जाता है, वो अभी 1 बजे में, 1 और 2 के बीच में है, मीन्स 1 बज रहा है, ठीक है, 1 बज के, ये आपको समझाऊंगी मैं कि ये कितने बजते हैं, एंड सी दिस मिनट हैंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ये सब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना है, ओके? नाउ सी आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब अभी आप छोटे हो, बस फॉर द नॉलेज आई एम टेलिंग यू, ये सेकेंड हैंड होता है, ओके? नाउ हाउ कैन यू सी द टाइम, कैसे टाइम देखोगे? सी चिल्ड्रन, टाइम में क्या होता है, क्लॉक में 1 से लेके 12 डिजिट होते हैं, सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नाउ अब आप बोलोगे कि मैम हमारे 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या है 12, राइट? इसमें सिर्फ 12 है, व्हाई इट इज, बिकॉज
हर एक ये वाला जो है एक दो वो दिन में दो बार रिपीट होते हैं, पूरे दिन में 2 टाइम्स इट रिपीट्स, इसलिए हम 12 का ये रखते हैं। सपोज अभी 1 बजा, राइट, 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू बजता है। नाउ आप सोचो मॉर्निंग में 10 बजा, रात का भी 10 बजता है, रिपीट होता है। यस, दैट्स वाई ये 12 है। 12 × 2 करोगे तो 24 आवर्स होते हैं, और इस 12 को हमने ये हर एक जो नंबर है जो आवर है वो रिपीट होता है। अभी मॉर्निंग में 1 बजेगा, फिर रात का भी 1 बजता है, 2 बजेगा दोपहर में, आफ्टरनून में अगेन मिडनाइट को भी 2 बजता है, देन 3, यू कैन फाइंड योर कि आप सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हो, रात को 9 बजे डिनर करते हो, रिपीट हुआ। दैट्स वाई इट इज 12 ओनली। एंड हाउ टू फाइंड मॉर्निंग, अगर हुआ यू नो दैट, अगर मैंने बोला कि आई एम टेकिंग लंच एट 1 PM, इट मीन्स मैं दोपहर का, 1 PM मतलब मैं आफ्टरनून में, वो PM और AM भी मैं आपको समझाऊंगी लेट ऑन वो भी करेंगे, और अभी आपको मैं सिखाऊंगी कि घड़ी आप कैसे देखोगे, राइट। हाउ कैन यू सी द क्लॉक, सी ये है 12, 1 2, ये पूरे 11 12 तक जाएगा, राइट। स्मॉल काटा आपका ये शॉर्टर हैंड जो है, आवर हैंड बोलते हैं, ये जिस पे रहेगा, सपोज देखो ये 1 और 2 के बीच में आपको दिख रहा है, इट मीन्स 1 और 2 के बीच में तो पहला वाला नंबर बज रहा है, मतलब 1 बज रहा है। नाउ 1 बज के कितने मिनट्स हुए वो आपको देखना है। नाउ सी किड्स, यू नो द टेबल ऑफ 5, ये जो होता है 0 0, राइट, और यहां से स्टार्ट होता है 12 और 1 के बीच में है वो हो गया 5, फिर 5 का टेबल, ओके, 5 2 10, 5 1 5 5 2 10, 5 3 15, 4 में आए तो 20, 5 में आए तो 25, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, 6 में आए तो 30, 5 6 30, 35 40, 45 50 55, और यहाँ 60 होना चाहिए, लेकिन इट इज 2, ये पूरा बज गया, मतलब अगर ये वाला कांटा 2 में आ गया और ये पूरा यहाँ घूम के 12 में आ गया, इट मीन्स 2 o'clock बज गए। कितने बज गए, सी आई एम शो यू नाउ, सपोज ये देखो आई एम मूविंग दिस, ओके, अब आपको बताना, देखो ये कांटा ये यहाँ पे आया, दिखा आपको, नाउ ये 1 और 2 के बीच में है, राइट, 1 और 2 के बीच में, इट मीन्स देखो अभी 2 में पूरा नहीं आया, इट मीन्स 1:30 कितना बजा, क्योंकि सी 1 क्या है 5, 2 क्या है 10, 5 10, ये आपको आराम से टेबल याद है, 5 10, 3 में है तो 15, 4 में है तो 20, 5 में 25, 6 में तो 30, इट मीन्स 1:30 कितना बजा, 1:30, 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा, हाफ एन आवर, राइट, ये हो गया 30 मिनट्स मेरा। एंड देन अगेन आई एम मूविंग, अब आप खुद बताना क्या होगा, एंड यू विल ट्राई एट योर होम ऑल्सो, ओके। नाउ सी इट इज 1:35, देन 1:40, देन 1:45, देन 1:50, राइट, देन 1:55। अब देखना आप खुद ही कि जैसे ही 12 में बड़ा वाला काटा जाएगा, स्मॉल वाला अपने आप पूरा 2 की जगह में आ जाएगा। सी आपको ये 2 दिखेगा, सी ये डॉट्स जो छोटे छोटे हैं, बीच में ये बड़ा वाला डॉट दिख रहा है, राइट, यू कैन सी, हाँ ये पूरा 2 में आ जाएगा, देखना अब, हाँ सी नाउ दिस विल आई मूव, ये अपने आप मूव करता है, अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए मूव कर रही हूँ। नाउ सी ये पूरा 2 में आ गया, इट मीन्स 2 बज गया, राइट, वॉट इज द टाइमिंग, 2 o'clock, वॉट इज द टाइमिंग, 2 o'clock। नाउ यू कैन सी आउटसाइड कि अगर धूप है, इट मीन्स तो फिर का 2 बजा, आफ्टरनून में 2 बजा, इफ इट इज नाइट और आपने कहा घर में 2 बज रहा है, इट मीन्स अर्ली मॉर्निंग, मतलब 12 अर्ली मॉर्निंग हुआ है, 12 बजे तक हमारा रात पूरा होता है, उसके बाद मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है रात वाला, ओके, तो दैट इज 2 AM, राइट, वो AM एंड PM आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन।
अभी जस्ट आपको आवर सीखना है. ओके सो सी 2 बज गया. नाउ अगेन आई एम सी आई विल शो यू हाउ इट इज मूविंग. नाउ सी अब देखना आपका छोटा वाला कटा कम मूव करेगा बट बड़ा वाला मूव करते रहेगा. ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.10, देन 2.15, देन 2.20. आपको टेबल लर्न है ना. 5, 10, 15, 20. नाउ सी 2.25. कैन यू सी देन 2.30. ये हो गया 2.30. अब यहाँ जाएगा तो 35, 40. और जैसे यहाँ पहुंचेगा यू विल फाइंड आउट कि धीरे धीरे ये देखो धीरे धीरे मूव कर ये पूरा 3 में आ जाएगा. जब ये 12 में आ जाएगा इट मीन्स इट इज 3 o'clock. राइट. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड अ टाइम. राइट. एंड यू हैव टू नोटिस कि आप किस टाइम में क्या करते हो. दैट विल बी योर IBL होमवर्क. IBL मीन्स इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. मीन्स आपको ये सब प्रैक्टिकली करके देखना है. आप जब उठोगे वेरी ऑनेस्टली आपको जब आपका उठेंगे देन यू विल राइट के आई वेक अप एट और आई गेट अप एट 6 o'clock, 7 o'clock लाइक दिस. आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट राइट. चलो आई एम शोइंग यू व्हाट यू हैव टू डू. नाउ दिस इज नाउ सी व्हाट यू हैव टू राइट. आपको ये कुछ नहीं आपको क्या करना है ये लिखना है. What you will do? I get up at कितने बजे. Your time you will write, okay? ये this girl is very good. So see, अभी तो आप स्कूल नहीं जाते हो तो you are getting late. But this girl स्कूल जाना है तो 6 o'clock. तो you will write I get up at कितने o'clock, okay? And साथ में what you have to do? एक drawing करना अच्छी सी घड़ी बनानी है with the help of your mother और मम्मा की बैंगल ले लेना, okay? मम्मा की बैंगल लेके उसमें ग्राउंड बनाना है. एंड एग्जैक्ट सी व्हाट इज दिस कैसे बनाना है. आई विल शो यू दैट देन यू विल डू. ओके आई हैव माय ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock. आई हैव माय लंच एट 1 o'clock. ये आपको मैं पिक भेजूंगी एंड यू विल डू दिस. ओके बट टाइमिंग आप अपना लिखोगे. ओके गर्ल का नहीं लिखना है. आई गो आउट टू प्लेइंग एट प्लेइंग कितने बजे आते हो. आई डू माई होमवर्क एट. आई गो टू बेड एट 8 से लेकर 9 o'clock. आप अपना टाइम लिखोगे राइट. तो जो जो ये ब्लैंक्स है उसमें आपको अपना टाइम लिखना है. सो दिस विल बी योर IBL होमवर्क राइट. एंड यू हैव टू डू वेरी ऑनेस्टली. आपको एकदम सच लिखना है कि आप कितने बजे उठते हो कितने बजे होमवर्क करते हो प्लेइंग कितने बजे करते हो एंड गोइंग टू बेड. तो चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट. सो किड्स हमने देखा अभी घड़ी. आपको मैंने घड़ी अच्छे से दिखाया. अगर आपके पास भी छोटी सी घड़ी ऐसी हो क्लॉक ऐसी हो तो यू विल प्रैक्टिस योर टाइम. ओके अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. ओके सो नाउ लेट्स सी कि इस चैप्टर से हम क्या क्या लर्न करेंगे. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लॉक जो अभी हमने किया. देन रीडिंग एंड राइटिंग टाइम्स इन आर. आप क्या सीखोगे रीडिंग एंड राइटिंग टाइम. कैसे लिखते हैं कैसे रीड करते हैं टाइमिंग. ओके अगर आप ध्यान से ये चैप्टर करोगे तो यू विल लर्न टू रीड एंड राइट योर टाइमिंग. देन मिनट्स कितने मिनट्स होते हैं आवर में. यू विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो. वी विल कम टू दैट पॉइंट एंड यू विल लर्न दैट 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं राइट. देन टाइम हाफ एंड क्वार्टर आवर. हाफ टाइम किसको बोलते हैं और क्वार्टर आवर किसको बोलते हैं. वी विल लर्न दैट ऑल्सो. वॉट इज AM एंड PM. वी विल कम टू नो दैट थिंग ऑल्सो कि AM क्या होता है PM क्या होता है. बट स्लोली स्लोली ओके हम एक साथ नहीं भागेंगे राइट. एंड वॉट इज कैलेंडर. कैलेंडर क्या होता है कैसे कैलेंडर पढ़ते हैं कैलेंडर में क्या क्या होता है डेज मंथ ईयर. ओके एंड लास्ट हम पढ़ेंगे सीजन्स. सीजन्स क्या होता है टाइमिंग में ये सब कवर अप होता है
okay, what we will cover in timing, calendar also, seasons also, hour and minute, day, कितने days होते हैं, कितने month होते हैं, these all are a timing, क्योंकि ये सब हमारे time पे depend करता है, right? हम बोलते हैं ना कि अभी कौन सा time चल रहा है, तो winter का time है, summer का time है, right? तो everything where we use this time word and we follow this, calendar हमारे घर में आता है, तो calendar में अभी कौन सा month चल रहा है, then कौन सा डे है आज, राइट? सो दिस ऑल कम्स इन टाइमिंग. सो वी विल लर्न दिस चैप्टर विद अ वेरी गुड एक्टिविटी, राइट? एंड आई होप कि आप मुझे कोऑपरेट करोगे, मेरे साथ साथ रहोगे एंड मैम की हर एक बात फॉलो करोगे, राइट? सो डियर किड्स, आपको क्या करना है आज का काम? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्लॉक बनाना सीखना है. दिस इज वेरी इजी. मम्मा की चूड़ी ले लोगे आप, राइट? बैंगल्स. एंड देन आपको जो मैंने होमवर्क अभी बताया ना आईबीएल, आई विल सेंड यू, और छोटे छोटे से क्लॉक बनाना. चलो आई विल शो यू हाउ टू मेक क्लॉक. व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ बैंगल, राइट? ऐसे बैंगल को टाइटली पकड़ोगे, यू विल होल्ड दिस लाइक दिस टाइटली, ओके? सी आई हैव अ बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, आप अपनी नोटबुक में करोगे, देन फ्रॉम इनसाइड यू विल ड्रॉ अ सर्कल. सी गॉट अ सर्कल, देन व्हाट यू विल डू, एकदम अच्छे ध्यान से देखना व्हाट आई एम डूइंग, ओके? यू विल यूज अ स्केल. अब ये तो मेरा मार्कर है, मे बी, अब देखो ये सेंटर में मार्कर को रखना ऐसे, राइट? एंड ड्रॉ अ लाइन ऐसे, और एक यहाँ, राइट? फिर यहां सेंटर में रखोगे ऐसे, सर्कल में करोगे, ओके? सो ये मेरा बोर्ड है ना, दैट्स व्हाई मार्कर इज लिंक्ड. पर आप पेंसिल से करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, राइट? नाउ व्हाट यू विल डू, ये मैंने आपको बताया वैसे ही करोगे तो इट विल बी परफेक्ट, आपका अच्छे से घड़ी बनेगा, ओके? नाउ सी व्हाट यू विल राइट हियर, एकदम इसके नीचे ये होना चाहिए और इसके सामने ये, यू हैव टू नोटिस दिस कि इसके नीचे दिस वन, लाइक ये फोर एकदम एग्जैक्ट होने चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? यहाँ लिखोगे 12, यहाँ 6, राइट? 3, 9, ओके? एंड देन ये सेंटर में आप क्या करोगे, 2, 2 ऐसे लाइन कर दोगे. यू कैन टेक योर हेल्प, अभी तो मैं आपके साथ नहीं हूं, अदरवाइज आई यूज टू हेल्प यू, नाउ यू कैन टेक योर हेल्प ऑफ योर मॉम और डैड, ओके? देन 12 आफ्टर 1, 2, 4, 5. सी मेरा बोर्ड बड़ा है ना, इसलिए आपको अभी खिचड़ी लग रहा हुआ, ओके? बट फॉर शोइंग यू आई एम मेकिंग दिस वन स्मॉल, लाइक दिस आप करोगे, राइट? एंड सेंटर में एक पॉइंट देना है, और जो टाइम आपको बनाना है वो यू विल ड्रॉ दैट टाइम, राइट? जैसे 6 o'clock बना है तो यू विल ड्रॉ 6 ऐसे छोटा ये वाला, दिस ऑल्सो यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड ये बिग, बट ड्रॉ इट प्रॉपरली, ओके? एंड विथ योर पेंसिल, सो दैट अच्छे से बनेगा, ओके? सो दिस इज द वे यू कैन मेक योर क्लॉक, एंड टाइम सेट कर लेना अच्छे से, 6 o'clock है तो 6 o'clock कैसे बनाना है, एवरीथिंग इज देयर, ओके? सो लाइक दिस यू विल ड्रॉ, एंड इफ इट इज प्रॉब्लम इन मेकिंग सर्कल यू कैन ड्रॉ दिस इन योर स्क्वायर ऑल्सो, राइट? सी इन स्क्वायर ऑल्सो यू कैन ड्रॉ दिस, ओके? Nine square, what you will do, you have to write again 4, ये बनाना है आपको एकदम अच्छे से. Can you see? Then square में भी ऐसे करोगे आप, see like this, right? And then you will write here 12, 6,
3, 9 एंड लाइक दिस यू कैन ड्रॉ क्लॉक। स्क्वायर पे भी आप अच्छे से कर सकते हो, राइट? इट्स अप टू यू कि आपको जैसे करना है यू कैन डू, राइट? एंड दिस वे कंप्लीट योर आईबीएल, दैट विल बी योर आईबीएल। चलो नाउ लेट्स कम टू द बुक। नाउ आई कैन राइट डाउन योर डेट, दैट इज 14/12/2020 and CW. Now look at the clock above and answer the following question. This will be your classwork. How many hands are there on the clock? यहाँ कितने clock hands हैं? Two hands, right? So you will write two hands. How many numbers are there ऑन द क्लॉक? कितने नंबर्स है ये भी मैंने आपको बताया, 1 से लेकर 12 तक, दैट इज 12 नंबर्स। व्हाट यू विल राइट? 12 नंबर्स, राइट? आर बोथ हैंड्स इक्वल इन लेंथ? क्या दोनों हैंड्स इक्वल है? नो, वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर। व्हाट इज द शॉर्टर हैंड कॉल्ड? शॉर्टर हैंड को क्या बोलते हैं? Yes, our hand. H-O-U-R, hand. How are you saying this? This is our hand. Okay? H is silent. Our hand. Okay. What is the longer hand called? Minute hand. M-I-N-U-T-E, minute hand. Right? Now see. Look at the clocks given below. Write the time. आपको देखना है, टाइम लिखना है। वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू, शॉर्टर हैंड 5 में, लॉन्गर 12 में, दैट मीन्स इट इज 5 o'clock, 5 o'clock। नाउ दिस इज शॉर्टर हैंड 2 में, लॉन्गर 12 में, दैट इज 2 o, बड़ा ऐसे एंड देन क्लॉक लाइक दिस, राइट? दिस इज शॉर्टर हैंड 9, लॉन्गर हैंड 12, दैट इज 9 o'clock. This way you have to write. Okay? So this is your classwork we have done, and homework I have already told you that I will. Hope you will take interest in this chapter and we will enjoy this chapter. So this much for today. Bye bye. Take care. See you soon.